अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं आइडियल पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा जिससे इंसानी जिस्म से भी बिजली बनाई जा सकेगी। जी हाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क अमेरिका में साइंसदानों ने एक ऐसा आला तैयार कर लिया है जिससे इंसानी जिस्म से लगाकर अंदरूनी दर्जा हरारत के जरिए बिजली पैदा की जा सकेगी। गैर मुल्की खबर रसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अंगूठी की तरह पहने जाने वाला ये आला इंसानी जिस्म के अंदर दर्जा हरारत को भी बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक बैटरी जिल्द की हर सेंटीमीटर से 1 किलोवाट तवानाई पैदा करने की सलाहियत रखती है। माहरीन का कहना है कि 5 वोल्ट तक बिजली तैयार करने के लिए इसे स्पोर्ट बैंड के साइज का बना दिया जाएगा। याद रहे कि 2 साल कबल पहले कैलिफोर्निया की एक कंपनी ने भी ये दावा किया था कि उन्होंने जौहरी फजले से एक ऐसी बैटरी तैयार कर ली है जो 28,000 साल से ज़्यादा चार्ज रह सकती है। बैटरी की ताकत जौहरी रिएक्टरों में इस्तेमाल होने वाले ताबकारी मादे से हासिल होती है। इस हवाले से साइंसदानों का कहना था कि बैटरी की तैयारी में सख्त इमदाद का इस्तेमाल किया गया है जिसके बायस इसमें से इंसानी जिस्म से भी कम ताबकारी का अखराज होता है। साइंसदानों के मुताबिक उन्होंने इस बैटरी को लैबोरेटरी में भी टेस्ट किया है। बैटरी को सोलर पावर के जरिए 40% चार्ज किया गया जो कि बहुत ही अहम कामयाबी है। सोलर पावर से आमतौर पर बैटरी 15 से 20% चार्ज हो पाती है। 5,000 साल चलने वाली बैटरी तैयार करने वाले साइंसदान का कहना था कि वो बहुत ही जल्द बैटरी को 90% तक चार्ज करने की सलाहियत पैदा कर लेंगे। बैटरी के गिर्द मशीनरी लगाई गई हिफाजती बर्त जो कि सख्त तरीन धातु से बनी है। आइसोटोप से हासिल होने वाली ये एनर्जी इसके जरिए जज़ब हो जाएगी जिसको इलास्टिक कहा जाता है और ये बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।